हेलो एवरीवन, एक्स ये आरएचएल 6 की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे यम सर्वर कैसे, सॉरी यम सर्वर का बेसिक कॉन्सेप्ट। यम सर्वर क्या होता है, क्यों उसको यूज करते हैं, क्या उसके बेनिफिट हैं, आरपीएम कमांड से कैसे वो डिफरेंट है, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। बेसिकली हम बात कर लेते हैं पहले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जो भी हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है उनके हम क्या करते हैं, .exe पैकेज डाउनलोड करते हैं और इन्हें इंस्टॉल करते हैं। यानी विंडोज में जितने भी आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होते हैं वो .exe पैकेज .exe फॉर्मेट में होते हैं, यानी उस उनकी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .exe। ठीक है, उसी तरह अगर हमें लिनक्स में कोई लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई पैकेज कोई सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करना होता है तो उसके हमें पैकेज डाउनलोड करने होते हैं, आरपीएम पैकेज डाउनलोड करने होते हैं और उन आरपीएम पैकेज को हमें इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, अगर आपको वीएलसी आपको यूज करना है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि वीएलसी का आरपीएम पैकेज डाउनलोड करने पड़ेंगे और उसके बाद में इनको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो पैकेज है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में दो तरह से मैनेज किए जाते हैं, एक पहला आरपीएम कमांड से, दूसरा यम सर्वर से। तो आरपीएम कमांड से जब भी हम इंस्टॉल करते हैं ये पैकेज, तब क्या होता है कि जो भी पैकेज आप इंस्टॉल करें अगर वो पैकेज किसी दूसरे पैकेज पे डिपेंड है तो वो डिपेंडेंसी रिजॉल्व आरपीएम कमांड नहीं करता है। ठीक है, तो पहला बेनिफिट ये रहा कि यम सर्वर क्या करता है, जो भी आप पैकेज इंस्टॉल करते हैं उन सभी अगर वो पैकेज किसी दूसरे पैकेज पे डिपेंडेंट है, यानी डिपेंडेंसी है उस पैकेज की, तो यम सर्वर उन डिपेंडेंसी को ऑटोमेटिक रिजोल्व कर देता है, यानी आपको रिजोल्व करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप आरपीएम कमांड से कर रहे हैं तो क्या होगा कि आपको वो डिपेंडेंसी पहले मैन्युअली रिजोल्व करनी पड़ेगी, उसके बाद में आप वो पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं, जबकि यम सर्वर आपको ऑटोमेटिक वो पैकेज, यम सर्वर क्या करता है ऑटोमेटिक आपकी डिपेंडेंसी उस पैकेज की डिपेंडेंसी रिजोल्व कर देता है। ठीक है, ये यम सर्वर का सबसे बड़ा बेनिफिट था। दूसरा कि अगर आप आरपीएम कमांड यूज कर रहे हैं तो जैसे एक नेटवर्क बना हुआ मेरे पास, तो उस नेटवर्क में क्या होगा, जैसे इस मुझे पीसी पर मुझे क्या करना है, आरपीएम पैकेज इंस्टॉल करना है, तो इस पे जो जैसा कि आप जानते हैं कि सभी पैकेज किस में होते हैं, हमारे इंस्टॉलेशन आरचल 6 की जो इंस्टॉलेशन मीडिया होता है उसमें होते हैं। ठीक है, तो उस मीडिया को आपको यहाँ पे माउंट करना इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके बाद में उसके थ्रू हमें इंस्टॉल करना है। ठीक है, अगर आप इस पीसी पर करना है तो आपको वापस सीडी इस पर इंस्टॉल करनी पड़ेगी और उसके थ्रू आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इस तरह आपको जिस पीसी पर इंस्टॉल करना है उस पर आपको सीडी माउंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यम सर्वर का दूसरा बेनिफिट ये था कि अगर आपके नेटवर्क में यम सर्वर कॉन्फिगर कर रहे हैं तो उस सेंट्रलाइज यम सर्वर कॉन्फिगर कर रहे हैं तो उस यम सर्वर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इन सभी पीसी पर इस सेंट्रलाइज यम सर्वर के थ्रू आप पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी हर एक पीसी पर आपको सीडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी इस सेंट्रलाइज यम सर्वर से आप इन सभी मशीन पर डायरेक्टली यम सर्वर यम जो आरपीएम पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये यम सर्वर का दूसरा बड़ा बेनिफिट था। ठीक है, अब बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं यम सर्वर के बारे में। यम सर्वर क्या होता है, यम सर्वर जैसा मैंने बता चुका हूँ कि ऑटोमेटिक पैकेज मेंटेनेंस टूल है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। दूसरा, ये जो यम जो नाम आया है वो किससे डराइव किया गया है, YUP से। इसका जो फुल फॉर्म होता है यम सर्वर का वो होता है येलो डॉग अपडेटर मॉडिफाइड। ठीक है, और ये GPL टूल है, फ्री अवेलेबल है, कैन बी यूज मॉडिफाई रीडिस्ट्रीब्यूट विदाउट एनी फी और रॉयल्टी प्रोवाइडेड के द टर्म्स ऑफ इट्स एसोसिएट लाइसेंस आर अलाउड। और एडवांटेज ऑफ यम, ऑटोमेटिक रिजोल्यूशन सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी इफ ए पैकेज इंस्टॉलेशन और अपग्रेड रिक्वेस्ट इज मेड एंड रिक्वायर्स द इंस्टॉलेशन और अपग्रेड ऑफ एडिशनल पैकेज, यम कैन लिस्ट दीज डिपेंडेंसी एंड प्रॉम्प्ट द यूजर टू इंस्टॉल और अपग्रेड देम। यानी अगर किसी पैकेज आप कोई पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं और उसको अपग्रेड कर आईडी उसको अपग्रेड करना है या उसके एडिशनल पैकेज आपको इंस्टॉल करने हैं, तो यम सर्वर उन सभी डिपेंडेंसी को रिजोल्व कर सकता है। और ठीक है, ये यम सर्वर का सबसे बड़ा बेनिफिट था। ठीक है, और उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं बेसिक ओवरव्यू पीछे में जा करके। यम सर्वर की जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो होती है ETC के अंदर yum.conf। ये यम सर्वर की मेन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। सॉरी, हमने कमांड गलत लिखा है, /etc/yum.conf।
ये इसकी मेन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, यानी जो यम सर्वर जो मैनेज होगा इस फाइल के थ्रू होता है। ठीक है, इसमें बेसिकली ऑप्शन होते हैं जैसे कैश डायरेक्टरी, यानी जो भी आप पैकेज इंस्टॉल करेंगे उनकी हेडर फाइल बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सेव होती है। ठीक है, कीप कैश का मतलब होता है जीरो अगर यहाँ पे है मतलब वो यहाँ पर सेव नहीं करेगा, अगर आप यहाँ पे वन कर देते हैं तो यहाँ पर आप जो भी हेडर फाइल है वो यहाँ पर उसकी जो कैश है वो यहाँ पर सेव होना शुरू कर देगा। ठीक है, उसी तरह बहुत सारे ऑप्शन है जैसे एग्जैक्ट आर्क, यानी वो जो भी आप पैकेज इंस्टॉल करेंगे उनका आर्किटेक्चर ये चेक करेगा कि वो 64 बिट है या 32 बिट है। उसके बाद जीपीजी चेक, जीपीजी चेक यानी हर एक के जो भी आप पैकेज इंस्टॉल करते हैं उनकी एक की होती है, और उनकी सारी की जैसे पहले सीडी माउंट कर देते हैं उनकी कौन सी की होती है वो देख लेते हैं। सीडी रोम को, सीडी को आरचल सेक्स से आपकी जो सीडी है उसे माउंट करने के लिए आपको क्या करना है, माउंट स्लैश डेव स्लैश सीडी रोम कमांड यूज करना हो, स्लैश एमएनटी, एमएनटी में हमें माउंट करना है इसलिए हम लिख रहे हैं एमएनटी। अब सीडी एमएनटी में चाहिए, एलएस कमांड यूज कीजिए। अब यहाँ पे देखिए एक फाइल है आरपीएम पैकेज की रेड हैट रिलीज, ये फाइल क्या होती है कि जो भी आप पैकेज इंस्टॉल करते हैं उन सब की इंफॉर्मेशन इस फाइल में होती है, यानी अगर आपने जीपीजी चेक यहाँ पे वन कर रखा है तो इसका मतलब ये है कि जो भी आप पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं उनकी एक की इससे चेक करेगा, अगर वो की मैच हो जाती है तब वो क्या करेगा पैकेज इंस्टॉल करेगा, अदरवाइज वो पैकेज इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट की फाइल है, आपको जब भी आप यम सर्वर कॉन्फ़िगर करें तो इसको ज़रूर कॉपी करें, कंपलसरी है इसको कॉपी करना है। ठीक है, और आपके जितने पैकेज होते हैं यम सर्वर के वो होते हैं आरचल सिक्स की डीवीडी में, ये सर्वर नाम की एक डायरेक्टरी होती है उसके अंदर, उसके अंदर पैकेज नाम का एक फोल्डर होता है, सॉरी डायरेक्टरी होती है ये, और पैकेज उसके अंदर सारे पैकेज आपके होते हैं, तो सीडी पैकेज। अब यहाँ पे एलएस कमांड यूज कीजिए, तो ये देखिए ये सभी यम सर्वर के ये सभी पैकेज होते हैं। ठीक है, यानी आरचल सिक्स की डीवीडी में आपको यहाँ पैकेज फाउंड होंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो हमने सीखा है बेसिक कॉन्सेप्ट यम सर्वर क्या होता है, यम सर्वर के क्यों कॉन्फिगर किया जाता है, क्या उसके एडवांटेज हैं। अगले वीडियो हम सीखेंगे यम सर्वर को कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें, और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।